हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, इधर सब प्लांट मेरा ट्रांसप्लांट करने के लिए बिल्कुल रेडी है और सब में रूट आने लगा है। देखिए, ये सिंगोनियम में ट्रांसप्लांट की थी तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ में आ गया है, लेकिन ये सब एक दो साल पुराना ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इन सबको लगाऊंगी। और देखिए, मेरा सनसेट बेल में कितना बढ़िया फ्लावरिंग होने लगा है। अगर इसको आप बड़ा पॉट देते हैं तो इसमें काफ़ी बेबी पप्स निकलता है। अगर आप बाउंड्री के लिए इसको कवर कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा ये फैलते जाता है और परमानेंट फ्लावर है, तो इसको लगाइए और देखिए कितना सुंदर इसमें फूल खिलता है। और इसमें अभी एक घंटे का भी धूप नहीं लगा है, ये बहुत अच्छा होता है। इधर देखिए, सब डेविल्स बैकबोन सब कटिंग करने के लिए रेडी हो गए हैं। और ये तो मैं छोड़ दूँ तो बेल की तरह पूरा कवर कर लेगा। सिंगोनियम बहुत अच्छा ग्रोथ में है, एक छोटा सा कटिंग इतना फैल गया। इधर देखिए, ये डेविल्स बैकबोन, ये जितना कटिंग लगाई थी सब लग गया। इधर देखिए, एंथोरियम का, एंथोरियम प्लांट बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। आप एक से कई बना सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में भी ये निकल जाते हैं। इतना छोटा सा कटिंग लगाई थी। इधर मेरा पेंसिल कैक्टस, ये भी साइड कैक्टस है। और ये देखिए, फीस बैकबोन कैक्टस, ये देखिए कितना रूट बना रहा है, तो जितना चाहे लगा सकते हैं। इधर रोयो का प्लांट है, सब डेविल्स बैकबोन है। इधर देखिए, ये भी लग गया है लेकिन इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है, सब ग्रीन ग्रीन। इधर सब क्लेंचो रेडी हो गया है ट्रांसप्लांट करने के लिए। ये सब छोटे छोटे मनी प्लांट सब काफ़ी रेडी हो गए हैं। ये देखिए, छोटा सा कटिंग कितना सुंदर ग्रोथ में है, क्रेकर चार्ली का। सब क्रिसेंथियम मेरा बिल्कुल ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी है, और जितना जल्दी करूँगी इतना जल्दी इसमें फ्लावरिंग होगा। ये सिंगोनियम देखिए, कलंच सब बहुत सुंदर चल रहा है। डिफरेंट देखिए, और इधर के थोड़ा सा टाइम लगता है इस ट्रांसप्लांट के बाद। इसमें ये मनी प्लांट काफ़ी सुंदर लग रहा है, देखिए कितना रूट बना हुआ है। ये टर्टल वाइन देखिए, इसको मैं कटिंग करूँगी और हैंगिंग प्लांटर में लगाऊँगी। इधर ये क्लेडियम बहुत सारा बेबी पप्स निकाल रहा है, कुछ प्लांट को मैं इधर लाई हूँ। ये देखिए, टेरिस पे ये बैंगन का पौधा में निकला था, तो पता नहीं ये हाइब्रिड का लंच है कि क्या है, तो मैं इसको ग्लास में लगा दी। इधर देखिए, सब ऊपर बहुत सारा निकला था, ये सदाबहार, तो मैं इसको यहाँ लाई हूँ। यहाँ ये पुदीना देखिए कितना बढ़िया चल रहा है, सब खराब हो रहा था तो मैं ऊपर से लेकर आए हैं। इधर देखिए, मेरा तुलसी कितना अच्छा ग्रो हो गई है, जो मैं नर्सरी से लेकर आई थी। और ये बीम्स देखिए निकल गया, और देखिए बड़ा बड़ा कटिंग जब हम लोग लगाते हैं तो नहीं लगता है, और देखिए छोटा कटिंग रोज़ का, देसी रोज का लग गया, इसी में ये प्लांट ग्रो हुआ है। और इधर देखिए, ये शिमला मिर्च है, और इधर देखिए कितना तुलसी ग्रो हुई है, सब मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा तुलसी। इधर मैं इसको रखी हूँ, एडेनियम को, तो इन सबको फर्टिलाइजर डालना है। यह अर्थियम में एक बेबी टीयर निकला हुआ है, तो छोड़ रही हूँ मैं इसमें, अभी इसमें बेबी पप्स नहीं आया है, इसमें भी बेबी पप्स आता है, बहुत अच्छा प्लांट होता है परमानेंट। बहुत सारा प्लांट है फ्रेंड्स, अगर मैं अलग अलग लगाऊं तो काफ़ी प्लांट है। पत्थर चट्टा देखिए कितना ग्रो हो रहा है, बस इसका एक पत्ता से ही इसको यहाँ डाल दीजिए और एक कुछ ही दिन में प्लांट निकालने लगता है। इधर सब सबसे ख़राब स्थिति इसका है, लेकिन मैं सोचते रह जाती हूँ, तो सबको ट्रांसप्लांट करना बाकी है, देखिए कब करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।